मध्य प्रदेश बीजेपी में 2023 के चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। दरअसल आए दिन बीजेपी के पूर्व विधायक और नेता जमकर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बाद अब पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। शेखावत ने कहा है कि सिंधिया समर्थकों का पार्टी ने स्वागत किया है, लेकिन उनके जीतने के बाद ही सब बदल गया। शेखावत ने कहा कि सिंधिया समर्थकों के पार्टी में आने के बाद पार्टी की जमीन खोखली हो गई है। हमने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज सुनने को मिल रहे हैं। सिंधिया समर्थक ने खुलेआम लूट मचा रखी है। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीता है अभी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की जमीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर, उन्होंने तो खुलेआम लूट